हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। बाजरे का आटा बनाना और उसकी रेसिपी बनाना मैंने बताया था। बाजरे की रोटी और कढ़ी मैंने आपको एक बार बताया था, और इसकी हम बाटी भी बना सकते हैं, चाहे अप्पम, चीले, डोसा, इडली, हर चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैंने बहुत सारी रागी धुल लिया है और उसे अंकुरित कर लिया है, पर थोड़ी सी रागी मैंने रखा था ताकि वीडियो आपको बनाकर दिखा सकूं। तो पहले हम इन सारे रागी को सूखे साफ़ कर लेते हैं छन्नी वगैरह से या झन्ने से, और क्लीन होने के बाद इसे धोना भी ज़रूरी है। इस विधि को हम परियाना कहते हैं। सेम इसी तरह से हमने बाजरे को भी धुला था, और इसी तरह से हम पर्ल मिलेट यानी बाजरा धुलेंगे और बाकी मिलेट्स भी धोएंगे। सेम इसी तरह पानी डालिए और छोटे बर्तन में लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है इस तरह से करने का, यानी इसे हम परियाना अपनी भाषा में कहते हैं यूपी में। पुराने दादी नानी वगैरह इस तरह से बड़े बड़े बर्तन में लेके करती थी, पर अब हम लोगों से हो नहीं पाता है। देखिए, इस तरह से हम जीरा मसाले सारी चीज़ें धोते हैं, और इसके नीचे आप देख रहे हो ये जो कि हमारा पैक्ड आइटम है, फिर भी उसके बाद भी इसके अंदर नीचे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी या रेत है जिसे हम निकाल देंगे। अगर हम निकालेंगे नहीं तो किरकिराने लगेगा। इसके बाद हम देखिए इस तरह से छन्नी में डालकर पूरी रागी को छान दिए। अब हम आपको दिखाएंगे अपनी रागी जो अंकुरित हुई है। इसे मैंने अपने एक दुपट्टे में बांधा है, आप चाहें तो कॉटन कपड़े में बांध लीजिए, या तो सब्जी जो मिलती है उस तरह के बैग्स होते हैं पॉलीथिन, उसके अंदर से भी आपके हवा पास होती रहेगी तो आसानी से ये अंकुरित हो जाएगा। छोटी छोटी रागी है यानी सरसों के तरह, तो इसे हमें पतले कपड़े में ही बांधना पड़ेगा। बांधने के बाद नीचे हम टोकरी लगा दिए हैं ताकि आसानी से पानी इसका निथर सके। अब ये सेकंड स्टेप है। दो दिन हमने इसको धुल लिया था पर आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए थे, या तो इसकी क्लिप एक गायब हो गई है। तो दो दिन बाद देखिए इस तरह से ये अंकुरित हुआ है। अब इसे हम अच्छे से धोएंगे। डेली हमें रोज एक बार इसको अच्छे से साफ करना है पूरी तरह से पानी लेके, यानी टोकरी में काफ़ी तेज़ी से मैंने पानी लेके धुला। आप चाहें तो इसे अच्छे से टब में धो लीजिए, और धोने के बाद इसमें से जो स्मेल है पूरी तरह से निकल जाएगी और हमारा जो बाजरा एकदम फ्रेश हो जाएगा। जब ये बाजरा फ्रेश होगा तभी ये अंकुरित होगा। अब इस तरह से धो के हम रख लेंगे, फिर इसे हम इस तरह से गांठ दे लेंगे और रख देंगे। तब अब तीसरे दिन फिर हम इसे धुलना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसे हम पूरी तरह से अच्छे से बांध कर रख देते हैं। और अब चौथे दिन फिर हम इसे खोलेंगे और ठीक से इसे हम धुलेंगे ताकि इसमें प्रॉपर जो महक है या बदबू निकल जाए। आप देख रहे हैं अंकुर बहुत बड़े बड़े हो गए। इसे फिर से हम सिंक में रखेंगे सेम उसी तरह से, और इसे फटाफट धुल लेंगे। धुलने के बाद सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो हम तीन दिन से अपना रहे हैं। इसे पहले निथरने के लिए सफाई से धो के निथरने के लिए रखेंगे। निथरने के बाद हम इसे धूप में सुखा लेंगे। अगर धूप ना हो आपके घर में तो आप फैन में भी सुखा सकते हैं। बाजरा देखिए मैंने फैन में सुखाया है और इसका आटा बनाया है। आटा बनाने के लिए हमने क्या किया है, बाजरा रागी वगैरह मीठे होते हैं तो इसके अंदर चींटियां बहुत तेज़ी से आ जाती हैं, तो मैंने फैन के नीचे सुखाया है और फिर इसे अच्छे से भूना है। भूनने के बाद सूख गया है। सेम इसी तरह से हम अंकुरित रागी को भी भूनेंगे और मिक्सिंग जार में इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो सारे आटे ज्वार बाजरा मक्का वगैरह सेपरेट भी रख सकते हैं, या चाहें तो मिक्स करके। थोड़े थोड़े आटे को हम मिक्स कर देते हैं अंकुरित गेहूं के साथ, फिर उसके बाद रोटी बनाते हैं। इसमें मैंने लिया है रागी का आटा, पहले गूंथा था तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता तो एक्स्ट्रा रागी का और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के हमने देखे
ये लिया हमने सहजन की ड्राई पत्ती, इसका पाउडर भी बनाया है, आपको जो मन हो वो डाल सकते हैं, जिससे हमारी रोटी काफ़ी हेल्दी होगी। इस रोटी को बनाने के लिए पहले तवे पर हम नमक डालते हैं, नमक को अच्छे से फैला लेते हैं ताकि इसमें जो हमारी रोटी है, गेहूं की रोटी तो है नहीं, ये रागी की रोटी है, तो रागी और बाजरा मिक्स होने के कारण ये रोटी अंकुरित होने के कारण काफ़ी सॉफ्ट होती। ध्यान रहे, अगर आप इसका आटा तुरंत गूंथ कर ही रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी होगी, पर मैंने थोड़ा पहले गूंथ लिया था तो ये सॉफ्ट हो गया, इसलिए सूखे आटे डाल के हम इस रोटी को फिर से सही तरीके से बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। और देख रहे हैं तवे में बिल्कुल रोटी नहीं चिपकी और फटाफट हम इसे बेल लेंगे। अगर आप पहले से आटा गूंथ कर रखते हैं तो इसमें पैथन बहुत लगाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी सूखा आटा, पर ताजी आटा गूंथेंगे तो इसमें पैथन कम लगाना पड़ेगा और रोटी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसे कढ़ी के साथ, चावल दाल के साथ और सब्जी के साथ, या आप दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इस पे थोड़ा सा घी लगा लें। अगर आपको हमारी अंकुरित रागी की रोटी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। एक बार आप इस तरह से अंकुरित रागी, अंकुरित बाजरा की रोटी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ और मुझे मिलेट्स खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो ताकि मिक्स आटे की रोटी अगर हम बनाकर खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल काफ़ी लो रहता है, जिसके कारण हमें कोई और परेशानी नहीं होती है। थैंक यू।